आपका भी नाम अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरू होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, एस नाम के जो लोग होते हैं वो स्त्री हो या पुरुष, बहुत स्मार्ट होते हैं। जितना चेहरे से खूबसूरत होते हैं उससे भी ज्यादा दिल के खूबसूरत होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, जो वादा देते हैं करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं, मेहनती होते हैं, आलसी नहीं होते हैं। दूसरों का भला करने के चक्कर में कभी कभी खुद आलोचना के शिकार बन जाया करते हैं। दार्शनिक विचारों वाले होते हैं, ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ी कला इनमें यह होती है, यह जैसा वातावरण देखते हैं, जैसा माहौल देखते हैं, उसी के अनुसार ढल जाया करते हैं। मेहनती बहुत होते हैं, जिस प्रकार से इनके हाथ पैर तेजी से काम करते हैं उसी प्रकार से इनका दिमाग, इनकी आंखें, इनके कान, इनके नाक हमेशा ओपन रहते हैं, मतलब खुले रहते हैं। बैठे कहीं भी हो लेकिन ध्यान इनका चारों तरफ होता है। सबके रहस्यों को जान लेने की इनमें प्रबल इच्छा होती है, लेकिन खुद सीक्रेट पर्सन होते हैं, कभी अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर नहीं करते। जल्द ही किसी पर विश्वास नहीं करते, और अगर एक बार विश्वास कर लें तो अपना सर्वस्व उस पर निछावर करने की हिम्मत रखते हैं और हौसला रखते हैं। कोशिश करते हैं कोई इन्हें धोखा ना दे, और यह तो एस नाम वाले विश्वास पात्र होते हैं, जैसा मैंने पहले बोला, धोखेबाज नहीं होते। थोड़ा सा जल्दबाजी का स्वभाव होता है, क्योंकि निर्णय जो ये लेते हैं वो जल्दबाजी में लेते हैं और चाहते हैं निर्णय ले लिया तो आज ही ये काम हो जाए। यदि आप में ऐसी आपका भी ऐसा स्वभाव है तो इसको चेंज करें, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जीवन में बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि उतावलेपन में लिए गए निर्णय एस नाम वालों के लिए हमेशा असफलता देते हैं। इसलिए उतावलापन और जल्दबाजी को निश्चित रूप से, जिसका भी अंग्रेजी के अक्षर एस से शुरुआत होती है, वो छोड़ दे। हट्टी जिद्दी बहुत होते हैं, एक तो क्रोधित नहीं होते किसी पर, यदि क्रोधित हो जाए तो फिर अपना संतुलन खो बैठते हैं, हालांकि बाद में पश्चाताप जरूर करते हैं। अधिक सोच विचार और अधिक व्यस्तता के कारण यह अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते, सगे संबंधियों को उतना समय नहीं दे पाते, इसीलिए इनके सगे संबंधी, यहां तक कि इनकी पत्नी ही क्यों ना हो या पति ही क्यों ना हो, हमेशा खींचे खींचे रहते हैं इनसे। जो सगे संबंध हैं वो हमेशा इनके मजबूत नहीं रहा करते, जबकि समाज में, वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, बहुत अच्छी इनकी पहचान होती है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, लेकिन सगे संबंधियों से इन्हें हमेशा आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं, हमेशा सगे संबंधी इनके दुख का कारण बनते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, लास्ट में उपाय बताने जा रहे हैं सफलता के लिए। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो चने की दाल गुरुवार को गाय को खिलाएं, अब समझ ले कैसे खिलाएं, रात में एक मुट्ठी भर दाल शुक्रवार को भिगो कर रख दें रात में, और गुरुवार की सुबह 6 से 9 बजे के बीच में, यानी कि प्रथम पहर में, ब्राउन कलर की गाय हो या फिर सफेद कलर की, ऐसी गाय को चने की दाल यदि एस नाम वाले खिलाते हैं तो
तो जीवन में बहुत प्रगति करते हैं, बहुत सफलताएं प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण उपाय बताया है इस्लाम वालों को, और संभव हो सके तो एक पुष्क राज रत्न जरूर धारण करें। हल्दी, नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, संकट अपने आप जीवन से निकल जाएंगे और लाइफ स्वस्थ और मस्त चलेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।